जी नमस्कार, स्वागत है मैं इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग बताने वाले हैं कि अगर आप लोग जो है धान का बीज या जो है अरहर का बीज, यानी कि हम लोग के यहाँ अरहर बीज को जो है बोलचाल के, मेरे यहाँ के बोलचाल के भाषा में लहरी बोला जाता है, आप लोग के यहाँ पे अरहर बीज को आपके यहाँ के बोलचाल के भाषा में क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग भी जो है धान का बीज या जो है अरहर का बीज आप लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है, तो अगर आप लोग जो है खुद से अपने स्मार्टफोन के जरिए इस प्रकार के फोन है और इसके जरिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं ये सब बीज लेने के लिए, तो कैसे आप खुद से कर सकते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी आप लोग को इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग जो है खरीफ मौसम में, यानी कि इस मौसम में जितने भी फसल होते हैं ना, उसका फसल लेने के लिए जो है सरकारी रेटों में अच्छा बीज आपको जो है लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है ओपन कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे मोबाइल फोन के जरिए किया जाता है। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में आ जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बीज लेने से पहले क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको जो है एक डिमांड नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा 2 से 3 दिनों के बाद। जब ये पास हो जाता है सक्सेसफुली, तब जाकर के ये डिमांड नंबर आ जाता है। तो पास होने में आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये पास हो जाता है। पास होने के बाद ये डिमांड नंबर आ जाता है। डिमांड नंबर ले जाने के बाद आपका जो भी किसान सलाहकार है उनसे बात कर लेंगे कि सर जो है धान का बीज हमको लेना है, या जो भी बीज के लिए आवेदन किए पूछ लेंगे कि ये बीज वितरण हो रहा है अपने ब्लॉक में या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप जो है चले जाएंगे और जो है बीज ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6 तारीख से जो है बीज मतलब सभी ब्लॉक में लगभग जो है स्टार्ट हो जाएगा। कुछ में जो है 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और कुछ में बाद में भी जो है 2-4 दिन के बाद में भी जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप लोग जो है धान का बीज या अरहर का बीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो फिर इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में आ जाना है। मोबाइल फोन में आने के बाद कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है DBT बिहार। ठीक है, DBT इतना बिहार लिख करके जैसे सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट में एक वेबसाइट आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो पहले वाले वेबसाइट पे ही आपको क्लिक कर देना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करने के बाद DBT एग्रीकल्चर के यह वेबसाइट ऑप्शनली खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पे होम पेज पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो यहाँ पे प्रोसेस टू होम पेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यह वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस दिखने का मिलेगा। यहाँ पे काफी सारे योजनाओं को आवेदन करने के जो है लिंक दिया गया है, तो अगर आपको बीज लेना है तो उसके लिए यहाँ पे नीचे में आएंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बीज अनुदान आवेदन। ठीक है, और इसके नीचे में जस्ट लिखा है आवेदन करें। ठीक है, तो इसी आवेदन करें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आवेदन करें वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अगर आपके फोन में कुछ इस प्रकार से पूरा डिस्प्ले में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर छोटा आता है तो यहाँ पे ऊपर में देखेंगे एक 3 डॉट का ऑप्शन बना हुआ है, तो इसी 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस डेस्कटॉप साइट पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे में जो है टिक लगा हुआ है। अगर आप में टिक नहीं होगा तो इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, टिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो है फुल स्क्रीन में ये इस प्रकार से डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सेशन का चयन करें। ठीक है, तो इस सेशन का चयन करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक यहाँ पे हरी चादर 2024 से 2025 और एक यहाँ पे खरीफ 2024 से 2025। देखिए, अगर कोई व्यक्ति का यहाँ पे कहेंगे कि हमको धैचा का भी बीज लेना है तो यहाँ पे हरी चादर ऑप्शन चूज करेंगे, और जो भी उसका यहाँ पे पंजीकरण संख्या है, यानी कि जो भी बिहार लेवल का किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर यहाँ पे उसका डालेंगे जो, और उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे धैचा का बीज आवेदन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम खरीफ का यहाँ पे धान के बीज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे खरीफ ऑप्शन चूज करेंगे, और यहाँ पे जो भी मेरा पंजीकरण नंबर है वो यहाँ पे हम डालेंगे। किसान पंजीकरण संख्या टाइप करने के बाद यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी डिटेल दिए थे उनका जो है सारा डिटेल यहाँ पे उन कैंडिडेट का दिख जाएगा, और नीचे में अब यहाँ पे कौन कौन से फसल का यहाँ पे बीज लेने के लिए आवेदन स्टार्ट हो गया है उसका आपको यहाँ पे
नाम आपको यहाँ पे फसल वाले ऑप्शन में दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं धान बीज के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ भी धान के लिए यहाँ पे, और इसका जो क्रम संख्या है यहाँ पे बीज का क्या है, यहाँ पे एक 303 का स्टार्ट है और एक यहाँ पे 304 धान का बीज का ये नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे अरहर का कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे अरहर का बीज यहाँ पे नहीं दे रहा है, टाइम आप जो है बाद आप जो है एक दो दिन बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अरहर का जो ऑप्शन है, आवेदन करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, धीरे धीरे सभी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिलहाल अभी धान का जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये खुल करके आ जाएगा। तो अब अगर आप लोग को आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए साइड आएंगे और यहाँ पे देखेंगे एक एक्शन बटन वाले में यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस अप्लाई वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग बता दूं यहाँ पे आप जो है एक किसान रजिस्ट्रेशन पे अधिकतम कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 kg आप एक किसान रजिस्ट्रेशन पे 60 kg बीज ही ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। आवेदन करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें आपको कहीं भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिंपली एक यहाँ पे मात्रा का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस मात्रा वाले ऑप्शन में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कितना लेना है। जैसे कि हमको 60 kg लेना है तो यहाँ पे हम 60 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 60 लिखेंगे। अगर आपको जो है 50 kg लेना है या 40 kg लेना है तो आपको उतना ही आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में सबमिट ऑप्शन है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिमांड एक्सेप्ट सक्सेसफुल लिख करके आ गया। तो इस प्रकार से जब लिख करके आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग का कहना होगा कि भाई यहाँ पे अगर मेरा एक्स्ट्रा, जैसे मैंने 60 kg का आवेदन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 60 kg का पास भी हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना होगा ना कि भाई यहाँ पे 60 kg हमने आवेदन किया है तो हम वहाँ पे लाने जाएंगे तो 60 kg हमको लेना ही पड़ेगा। अगर बाद में आपको इच्छा होता है नहीं कि हम 60 kg नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, हम कम ही लेना चाहते हैं, जैसे कि 10 kg लेना चाहते हैं या 15 kg लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा का आवेदन किए हुए हैं तो आप कम करके ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कम का आवेदन आपका रहेगा तो आप बढ़ा करके आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है धान के बीज या जो है कोई भी बीज खरीफ मौसम का लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में यही जानकारी बताने वाले थे। आप लोग की जानकारी कैसा लगा? अगर आप लोग की जानकारी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।